हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये सीबीसी टेस्ट लगाने जा रहे हैं और इसके बाद जो है ना आपको आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सारी चीज़ें दिखाएं कि कैसे किस तरीके से आती हैं और उनके कम होने पर क्या प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम नहीं होती है। सीबीसी की आज पूरी जानकारी दूंगा मैं, तो आप वीडियो में लगातार बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए और उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें मैं एक ही वीडियो में जल्दी से जल्दी यानी कम से कम टाइम में समझा सकूं। ठीक है, तो ये देखो, इसको पे हमने क्या नाम सैंपल को ऐसे क्या क्या रोटर से निकाला और इसके बाद मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पर मशीन में हमारे यहाँ पर दे रखा है, नेक्स्ट इसमें जा कर के इसका नाम लिख लेंगे। ठीक है, नाम लिखने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं, इसका नाम शाहजहाँ बानो है, शाहजहाँ हो गया। इसके बाद यहाँ पर जाना इसका फीमेल सेलेक्ट कर लेते हैं, इसकी उम्र डाल लेते हैं, तो ये है उम्र इसमें 45 साल। इसके बाद जो है ना यहाँ पर आ जाएगा ऑलरेडी मशीन में हमारी। ठीक है, इसके बाद इसको ओके कर देंगे और ये देखो यहाँ पर हमारी निडिल है। अब ये निडिल की सहायता से ये हमारे ग्रीन कलर की बटन है, इसमें से हम लगा देंगे। दोस्तों, मैं इस मशीन में जो है ना आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। ये देखो, हमने इसका कैप निकाल दिया, इसके बाद जो है ना इसको ऐसे रन करा दिया, इसको बटन को स्प्रेड कर देते हैं, अपने आप ये चला जाएगा। अभी इस मशीन में जो है ना यहाँ पर आपको ग्राफ आएगा, हम दिखाते हैं कि क्या ग्राफ आता है, इसके बाद उसकी रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट बनाकर आपको दिखाते हैं। जब रिपोर्ट तैयार हो जाती है तब हमको रिपोर्ट में दिखाएंगे आपको क्या कैसे उसमें समझना है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। जब हम रिपोर्ट बनाएंगे उसमें बताएंगे कि कौन सी चीज़ से कम होने से या ज़्यादा होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कौन सी बीमारी हम पता लगा सकते हैं, इसके हम स्क्रीन पर आने के बाद रिपोर्ट बनाकर तैयार करके दिखाते हैं आपको। तब तक जानते हैं, जो हमारे ये ब्लड होता है, ये रियल का ब्लड है। इस रियल के ब्लड में हम क्या करते हैं, यहाँ पर से इसकी स्लाइड बनाते हैं। दोस्तों, ऐसे करके स्लाइड होती है। ठीक है, इस स्लाइड से हम क्या पता करते हैं, ये स्टेन करके लिए लीशमैन स्टेन होता है, जो कि हमारे जैसे डब्ल्यूबीसी होती हैं, जो डब्ल्यूबीसी 5 तरीके की होती हैं, हमारी न्यूट्रोफिल्स हो जाती हैं, इसके बाद लिम्फोसाइट हो जाता है, मोनोसाइट हो जाता है, इसिनोफिल हो जाता है, बेसोफिल हो जाता है, तो ये उनको स्टेन करने का काम करते हैं। और जो आरबीसी होती हैं उनको कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। एक्चुअली हमारी जो आरबीसी होती हैं वो ज़्यादा कलर नहीं लेती हैं, लेकिन हमारा जो ये स्टेन होता है वो मेनली किसको स्टेन करने का काम करता है, डब्ल्यूबीसी को और प्लेटलेट्स को। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर हमने, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि किस तरीके से स्लाइड बनाना है और उसको कैसे स्टेन करना है। अभी यहाँ पर ये मैंने बना कर रख लिया है, इसको दिखाते हैं कि इसमें किस तरीके से इमेज आ रही है। इसके बेस पर जो है ना हम आपको डब्ल्यूबीसी का या आपको प्लेटलेट्स और आरबीसी का साइज और शेप भी बताएंगे। यहाँ पर से इसको हमने स्टार्ट कर लिया और इसके बाद जो है इसको यहाँ पर से माइक्रोस्कोप को ऑन किया। आप इंटर में पढ़ाई करते हैं ना कि क्या नाम हमारी आरबीसी डब्ल्यूबीसी कितने शेप और साइज की होती हैं या उनकी लाइफ साइकिल कितने दिन की होती है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे हम। ठीक है, ये देखो इस तरीके से आरबीसी हमारी इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, ये हमारी इसको जो है ना पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम है, इसकी आरबीसी वगैरह साइज से और साइज की नहीं बनी है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी इस तरीके से आ रही हैं। तो यहाँ पर ये देखो फ्रेंड्स, इसमें जो है ना आपका आ गया है। ठीक है, शाहजहाँ पानों का इसमें ग्राफ आ चुका है और इसके बाद जो है ना यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरीके से दे रखा है रिजल्ट। यहाँ पर जब इस तरीके से रिजल्ट इसका दे रखा है तो इसमें से हम देखते हैं एक नया जो है ना किसी की रिपोर्ट देखते हैं, क्योंकि अभी इसकी रिपोर्ट बनने में टाइम लगेगा, हम वीडियो अभी रिसेंटली में बना रहे हैं, तो इसको हम बताते हैं कि और क्या प्रॉब्लम, किससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सीबीसी की रिपोर्ट देखते हैं और साथ ही साथ उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स सभी के बारे में जानते हैं और सीबीसी रिपोर्ट से हम क्या बीमारी हो सकती है, हमको क्या बीमारी नहीं हो सकती, सब्जेक्ट को जानते हैं। यहाँ पर देखो मोहम्मद इखलाक है और इसके बाद यहाँ पर आपका हीमोग्लोबिन है। तो दोस्तों, ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये एक तरीके से, मैं इधर आपको साथ ही साथ थोड़ा सा बताता चलूँ, तो ये इस तरीके से मैंने एक पेज ले रखा है। अब ये हमारे जो है ना, देखो यहाँ पर ऐसे आरबीसी है, ये इस आरबीसी की जो है ना, ये आरबीसी है। आरबीसी क्या करती है, ये कंटेन करती है हीमोग्लोबिन को। ठीक है, HB को कंटेन करती है, हम HB को हीमोग्लोबिन को शॉर्टकट में HB लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये हीमोग्लोबिन भरा होता है।
अब इस हीमोग्लोबिन को जो है ना मशीन, ये हमारी मशीन रही, इस मशीन ने यहाँ पर से जब इसको सैंपल पिलाते हैं तो उसमें से 20 माइक्रोलीटर हमारा मशीन जो है ना ब्लड लेती है। मैं उस 20 माइक्रोलीटर में से कुछ अमाउंट आरबीसी का जो है ना वो क्या करती है, डिजॉल्व करती है यहाँ पर से। सॉरी, ये डाइलवेंट है और ये हमारा डिटर्जेंट है, ये लाइस है। अब ये जो हमारा जो आरबी मशीन होती है इसमें जब यहाँ से सैंपल पे स्प्रेड करते हैं तो ये क्या करेगी, यहाँ पर लेने के बाद जो है ना मशीन उस कुछ आरबीसी जो होती हैं उनको ब्लड के अमाउंट को, 20 माइक्रोलीटर अमाउंट के ब्लड को लेती है और इसे क्या करती है, हीमोग्लोबिन मेजर करती कि कितना हीमोग्लोबिन मेजर होता है। इसके मेजरिंग चैम्बर यहाँ पर ये देखो मशीन में इस तरीके से लगे होते हैं। यहाँ पर हीमोग्लोबिन और आरबीसी डब्ल्यूबीसी इनमें से सब यहाँ मेजर किए जाते हैं। इसके अंदर का भी कुछ पार्ट होता है, वो मशीन हम बाद में बताएंगे किस तरीके से क्या करती है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम सीबीसी पर फोकस करते हैं। तो सीबीसी पर यहाँ पर आपने हीमोग्लोबिन देख लीजिए आ जाता है। अब हीमोग्लोबिन हम कैसे पता करेंगे कि हमारा हीमोग्लोबिन किस लिए कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। हीमोग्लोबिन अगर किसी का कम आता है तो हम बोलते हैं, सीधी सी बात है कि खून कम है शरीर में। अगर क्या कम आता है, हीमोग्लोबिन कम आता है तो हम बोलते हैं खून कम है शरीर में, ठीक है, खून कम है। या फिर ज़्यादा बढ़ करके आता है तो हम बोलते हैं कि खून बहुत ज़्यादा है शरीर में, ठीक है। अब इसकी नॉर्मल रेंज दे रखी होती है 12 से 18 दे रखा है, क्योंकि ये 4 साल मतलब 45 साल के एज में है, इसकी एक नॉर्मल रेंज होती है, इस नॉर्मल रेंज के बीच में होना चाहिए हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब इसके बाद टोटल ल्यूकोसाइट, टोटल ल्यूकोसाइट ये हमारी क्या होती हैं, 5 तरीके के WBC होती हैं। ये कितने तरीके के, आपने इंटर में पढ़ा होगा WBC, उन WBC में भी आपने पढ़ा होगा कि क्या कितने तरीके की होती हैं। न्यूट्रोफिल्स होती हैं जो कि यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, न्यूट्रोफिल्स इनकी सबसे ज़्यादा मात्रा होती है और ये परसेंटेज में होती हैं। और ये इसके बाद दूसरे नंबर पर लिम्फोसाइट होता है, तीसरे नंबर पर इसिनोफिल होता है, मोनोसाइट चौथे नंबर पर होता है और ये बेसोफिल होता है। दोस्तों WBC बढ़ने का मतलब ये है कि आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है। इन्फेक्शन होने के मतलब यह है, जब आपका न्यूट्रोफिल से WBC तो आपकी बढ़ गई, लेकिन WBC में क्या चीज़ बढ़ा हुआ है उसको हम देखते हैं। WBC अगर बढ़ी तो आपको ये पता चलता है कि आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन है, और उस इन्फेक्शन को हम कैसे पता क्या करते हैं, तो अगर आपका क्या नाम है न्यूट्रोफिल्स बढ़ा हुआ है इसका मतलब ये है यहाँ पर आपका कि बैक्टीरिया, ठीक है, मैं इसी रिपोर्ट में ही बताता चल रहा हूँ, बैक्टीरिया या फिर क्या नाम है वायरस, ठीक है, फंगस और पैरासीट, पैरासाइट कोई भी हो सकता है, इनमें से स्पेसिफिक नहीं है ये न्यूट्रोफिल्स बढ़ने के लिए, तो हमारा ये चीज़ें बढ़ गई मतलब इनकी वजह से इन्फेक्शन ये हो जाता है, तब ये हमारा न्यूट्रोफिल्स इंडिकेट करता है कि क्या नाम है ये बढ़ करके आता है। अगर ये न्यूट्रोफिल्स बढ़ करके आ रहा है अपनी नॉर्मल रेंज से, इसकी जो नॉर्मल रेंज यहाँ पर देख लीजिए 40 से 70 दे रखी है, कहीं कहीं लैब में इसकी 50 से 70 के बीच में रेंज होती है, ठीक है। तो ये क्या नाम है 40 से 70 या 50 से 70 के बीच में इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बैक्टीरिया, वायरस या फंगल इन्फेक्शन के वजह से होता है, अब किसी भी उसमें कंडीशन में बढ़ जाता है, लेकिन जब ये कहना है ज़्यादातर केस में देखा जाता है कि वायरल इन्फेक्शन में कुछ ज़्यादा बढ़ता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी बढ़ता है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स हमारा। एक्चुअली अब यहाँ पर देखा जाए लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट किस कंडीशन में बढ़ती है, ये वायरल इन्फेक्शन को शो करती है हमारा लिम्फोसाइट, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन ये क्या करता है कि हमारा जो ना एक तरीके से क्या बनाता है, लिम्फ नोड वगैरह बनाता है, ठीक है। तो लिम्फ नोड वगैरह जब बनाता है तो ये क्या करता है, लिम्फ नोड तो ये क्या करता है, लिम्फ नोड यहाँ पर जो है ना लिम्फोसाइट आकर के इकट्ठा होती है। ये लिम्फ नोड कौन बनाता है, वायरस बनाता है। और ये दूसरी बात ये कि लिम्फोसाइट हमारा जो है ना ट्यूबरकुलर्स यानी, ठीक है, उसके कंडीशन में थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है। अब अगर रही बात इसनोफिल की हम बात करें तो आपको क्या नाम है बहुत सारे वायरस हैं या क्या नाम है बहुत सारे प्लांट हुआ क्या नाम है माइक्रोबियल्स होते हैं या फिर क्या नाम है किसी भी एरिया में आप जाते हैं तो वहाँ पर वो कुछ माइक्रोबियल्स होते हैं जिनकी वजह से आपको एलर्जी हो जाती है, ठीक है। एलर्जी में क्या नाम है आपको ये देखने को मिलेगा कि बड़ा हुआ है और क्या आपका एलर्जी के साथ साथ और भी मतलब पैरासिटिक, पैरासिटिक में क्या कौन से आपका बड़ा देखा है देखने को मिलेगा, वो भी जैसे अमीबा वाले जो स्पीसीज हो जाती हैं उनके केस में देखने को मिल सकता है। लाइक फाइलेरिया वगैरह में भी ये बढ़ा हुआ मिल सकता है आपको, इसनोफिल वगैरह और इसके बाद जो है मलेरिया के केस में बढ़ा हुआ मिल सकता है, अमीबी पेंचिस वाले कंडीशन में बढ़ा हुआ मिल सकता है। और भी जो क्या नाम हमारे लीवर फ्लूक वगैरह होते हैं, आपने इंटरनेट में पढ़ा होगा लीवर फ्लूक, और इसके बाद जो है ना
ये स्कैरिस वगैरह इस कंडीशन में ही पड़ा, मतलब ये बड़ा हुआ इसनोफिल हमारा देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर ये बड़ा हुआ है तो ये इसी कंडीशन दिखाई दे सकती है। तो इसकी नॉर्मल रेंज देख लीजिए, यहाँ पर 1 से 6 तक की दे रखा है और लिम्फोसाइट के 2 से 20 से 40 तक की दे रखा है। ठीक है, अब मोनोसाइट की अगर बात करते हैं तो मोनोसाइट जो होता है हमारा, ये क्या करता है, जब किसी भी तरीके के, चाहे वायरल इन्फेक्शन या क्या नाम है, किसी भी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन या पैरासिटिक इन्फेक्शन या कोई भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, तब ये हमारा जो है ना बढ़ करके आता है। तो ये क्या नाम है, अब वायरल या क्या बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन या पैरासिटिक इन्फेक्शन, इससे हम ये मतलब पता चलता है कि अगर ये हमारा मोनोसाइट बढ़ करके आ गया है तो इन चीज़ों ने काफ़ी लंबे समय से इसको जो है ना बॉडी में है और इन्फेक्शन चल रहा है, तो हमारा मोनोसाइट पता चलेगा। अब बेसोफिल अगर बढ़ करके आ रहा है, तो बेसोफिल का बढ़ने का मतलब यह है कि यहाँ पर ये क्या करता है, कैंसर्स सेल्स को शो करता है। ठीक है, कैंसरस की तरफ ये जाता है। अब अगर बात करते हैं हमारे प्लेटलेट्स, तो देखो प्लेटलेट्स जो होता है ना हमारा, सिर्फ और सिर्फ इसका बॉडी में क्या काम कर रहता है, तो बॉडी में इसका सिर्फ और सिर्फ काम क्या रहता है, ये क्या करता है, ब्लीडिंग को रोकता है। ठीक है, ब्लीडिंग को रोकता है, यानी ब्लीडिंग जो होने से उसको रोकता है। और अगर प्लेटलेट्स जो है ना हमारा रिड्यूस आता है, तो ये क्या करता है बॉडी में, मतलब जो कमर दर्द होता है उसको और थकान वगैरह, इससे पता चलता है कि थकान अगर आपको लग रही है, क्या नाम है, कमर दर्द हो रहा है, बॉडी पेन कर रहा है, तो हमारी प्लेटलेट्स जब कम आती है तो उसके कंडीशन से हो जाता है। और अगर आपको मतलब बार बार जैसे कि मतलब हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट वाली प्रॉब्लम आती है, और दूसरी बात ये कि आप मतलब थोड़ा सा हार्ट कंजेशन वगैरह होता है, तो किसके कारण भी हो सकता है, प्लेटलेट्स की वजह से भी हो सकता है, अगर इसका साइज बढ़ जाए, मतलब नॉर्मल रेंज से अपने ज़्यादा बढ़ करके आ जाती है। इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है देख लीजिए, यहाँ पर लैक्स में दे रखा होता है, 1.5 यानी 1,50,000 से 4,50,000 के बीच में इसकी नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आरबीसी की हम बात करें। अच्छा दोस्तों, ये जो न्यूट्रोफिल्स वगैरह होते हैं, लिम्फोसाइट, देखो इनके फंक्शन वगैरह जो है ना हम किसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैं अभी फ़िलहाल आपको फंक्शन वगैरह बताता चलूँगा तो फिर क्या नाम बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो अगर आप चाहते हैं कि इस पर वीडियो बनाएं तो बहुत अच्छे से उसको समझ में आए, मैं वहाँ पर आपको फिर से सीबीसी की रिपोर्ट दिखाऊंगा और ये सारी चीज़ें, तो मेरे को कमेंट करना, मैं सारी चीज़ें आपको फिर से अगेन बताऊंगा। यहाँ पर आप आरबीसी देखते हैं, तो आरबीसी हमारा, अब इसको देख लीजिए, हीमोग्लोबिन को और आरबीसी को देख लीजिए। ठीक है, हीमोग्लोबिन और आरबीसी जो होती है ना, अगर ये हमारा हीमोग्लोबिन जो है ना 13.8 है, ठीक है, 13.8 को आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर 3 से इसको जो है ना भाग दीजिए, 3.5 से, या क्या नाम, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका जैसे 3 चौके 12 हो रहा है जा करके, और एक थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो आपका लगभग हमें जो है ना 3 लाख, या क्या नाम है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे 3 से, तो आपका 13 है, तो लगभग 14 के समथिंग है, तो आपका यहाँ पर आरबीसी निकल आएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करने पर आपका क्या निकल आएगा, आरबीसी निकल आएगा। आरबीसी का साइज जो है ना, तो यहाँ पर हमारा लगभग 4.88 दे रखा है, ये एग्जैक्टली मतलब ये मशीन की कैलकुलेटेड वैल्यू है ये वाली हमारी, और ये हम क्या नाम मैनुअल काउंट कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा थोड़ा सा इससे लोअर साइड जा सकता है, लेकिन क्या नाम है, ठीक है। अब ये क्या नाम है, इसके बाद जो है ना देखो हमारा आरबीसी, आरबीसी जो होती है ना, अब आप जानते हैं कि हमारा आरबीसी जो होता है इस तरीके की होती है। ठीक है, अब ये हमारी आरबीसी है, अब इसका हम क्या नाम है, क्या देखते हैं, इसका जो नॉर्मल साइज जो होता है, साइज वो कितना, 6 से लेकर के 8, 6.5 से या 6 से लेकर के 8 माइक्रोमीटर की होती है। अब एक 8 माइक्रोमीटर की, अब ये क्या नाम है, इसका हम साइज, ठीक है, इस आरबीसी का हम साइज पता करेंगे, साइज पता करेंगे। ठीक है, अब किस तरीके से, अब इसके अंदर कितना हीमोग्लोबिन है, अब ये यहाँ पर इसका साइटोप्लाज्म भरा होता है, जिसको ये साइटोप्लाज्म ये जो होता है इसके अंदर, ये हमारा क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, HB बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप ये देखेंगे, ये हेमाटोक्रिट दे रखा है, हेमाटोक्रिट वैल्यू या HCT दे रखा है, इसका मतलब HCT का फुल फॉर्म होता है हेमाटोक्रिट, इसको एक चीज़ और क्या बोल सकते हैं, PCV बोलते हैं, जिसका मतलब होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर इसे पैक्ड सेल वॉल्यूम बोलते हैं। अब यहाँ पर इसके जो नॉर्मल रेंज दे रखी है आपको, यहाँ पर दे रखा है 40 से 50, लेकिन किसी किसी लैब में जो है ना 38 से या 36 से दे रखा होता है, 46 तक के दे रखा होता है, 38 36 से, या क्या नाम 48 तक के दे रखा होता है, तो हम आप ये 36 से लेकर के 48 या 45 से 50 के बीच में मान लीजिए जो भी है। अब ये इसका जो क्या नाम है, इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो है ना, एक पेशेंट है मेहरू निशा, हम पैथोलॉजी में है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर
जो येलो वाला पोर्शन है आपका क्या है, प्लाज्मा है, और जो नीचे वाला है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तीनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये जो एचसीटी दे रखा है वो किसको बता रहा है, हमारा इसके बता रहा है, इस चीज़ को बता रहा है। ये जो हमारे आरबीसी या डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स हैं, ये इसको बता रहा है कि ये कितना आपके शरीर में कितना है। अब दोस्तों आपने अगर इंटर की किताब में पढ़ा होगा या फिर हाई स्कूल या जो भी आपने किया है बायो से, तो उसमें आपको पता चला होगा कि आपका जो आरबीसी होती हैं और जो ब्लड का कंसन कंपोजिशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्लाज्मा होता है। वो 55% से 60% के बीच में होता है कंपोजिशन उसमें, ठीक है, प्लाज्मा का। अब प्लाज्मा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद जो है ना 44% आपकी आरबीसी पाई जाती हैं, 44% आरबीसी में, फिर आपका क्या है रेस्ट ऑफ जो होती हैं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। तो 1% में आपके क्या हो जाती हैं, प्लेटलेट्स हो जाती हैं, उसके 0.001% में आपके क्या हो जाती है, डब्ल्यूबीसी हो जाती हैं। ठीक है, अब ये डब्ल्यूबीसी किस बेस पर कम हो जाती हैं, यहाँ पर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर आपके 1000 में डब्ल्यूबीसी वगैरह दे रखा है, आपने इंटर की किताब में भी पढ़ा होगा, 4000 से 11000 के बीच में हमारी डब्ल्यूबीसी होती है, यहाँ पर ये दे रखा है टोटल ल्यूकोसाइट। और इसके सामने देखेंगे ये, मैं आपको इसका एक अलग से क्लीन पेज दिखा दूँगा, उसमें आप देख लीजिएगा लास्ट में, ठीक है। और इसके बाद जो है आप यहाँ पर देख लिए, इससे हमें क्या पता चला, अब ये जितना देख लीजिए, अब अगर हम इसको मेजर करें कि हमारा इसमें क्या है, ये जितना हम ये ऊपर वाले प्लाज्मा को निकाल लें, इसको पता कर लें कि हमारे ये कितना परसेंटेज में है या कितना है, तो दोस्तों हम कैसे क्या पता कर सकते हैं, हमारा उसमें से पता कर सकते हैं कि हमारी जो है ना आरबीसी इतनी है। अब आरबीसी जितनी होगी उसका 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और कितना हो जाएगा आपका डबल हीमोग्लोबिन निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए आप दिखाते हैं आपको, तो आपको ये पता चल गया कि आपको आपके ब्लड में जो है ना प्लाज्मा कितना है। तो प्लाज्मा इसे हम पता कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपका दे रखा है 40.4 दे रखा है, इन्होंने वैल्यू दे रखी है, अगर सही तरीके से दिखाई दे रहा हो तो 40.4 है ये, ठीक है, 40.4, यानी क्या नाम है, 40.4 में अगर इसको हम माइनस कर देंगे कितने में से, 100 में माइनस कर देंगे, अभी मतलब 100 इधर होना चाहिए, तो इसको आप समझ लीजिएगा कि मैं जल्दीबाजी में लिख दिया है, तो आप इसको माइनस करेंगे यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 59.6 आ जाएगा। ठीक है, यानी इतना परसेंटेज आपका क्या है, आपका जो है ना प्लाज्मा है आपके ब्लड में। ठीक है, तो ये आपका प्लाज्मा पता चल गया और ये आपका आरबीसी पता चल गया कि हमारी आरबीसी कितनी है। एचसीटी का मतलब है कि आपके शरीर में कितनी आरबीसी है, कितने परसेंटेज में है पूरा प्लाज्मा और उसके साथ आरबीसी के साथ। ठीक है, तो आप दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, फिर दे रखा आपका मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम एमसीबी। एमसीबी का मतलब यहाँ पर यह है कि आपकी जो एक आरबीसी है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी एक आरबीसी का शेप और साइज कितना दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर ये 82.8 है, अब अगर इसके आगे के आप देखेंगे तो ये फेम्टोलीटर में दे रखा होता है, ये FL बना होता है, इसकी मैं यूनिट आपको दिखा दूंगा, FL में दे रखा होता है। FL का मतलब ये होता है, अब मैं क्या नाम, हमारी जो यहाँ पर बताया जाता है, भाई मैंने बताया इसकी यूनिट क्या है, माइक्रोलीटर में है, ठीक है, माइक्रोमीटर में है, तो यहाँ पर आपको ये बता रखा है फेम्टोलीटर में यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने किस में बताया, माइक्रोमीटर में बताया, तो देखो भाई अब सीधी सी बात यह है कि जो हमारा ये माइक्रोमीटर है ये, ठीक है, इसको अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो आपका जैसे एक माइक्रोमीटर में लगभग कितने, एक माइक्रोमीटर में 1 लाख यानी 10 लाख कितने, 10 लैक्स, ठीक है, 10 लैक्स जो है ना आपके क्या होते हैं, फेम्टोलीटर होते हैं, FL की यूनिट होती है। तो आपको समझ में आ गया, तो अब इसको जब क्या नाम है इसमें कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर जैसे RBC हमने बताया तो RBC का साइज कितना हो गया यहाँ पर 82.8, अगर हम इसको क्या नाम है उसमें कन्वर्ट करेंगे यूनिट में मतलब माइक्रोमीटर में, तो ये आपका क्या नाम है इसे मैं से भाग दे दीजिए, ठीक है। अब एक माइक्रोमीटर में कितने होते हैं, एक माइक्रोमीटर में 10 की पावर -6 होता है यहाँ पर, ये जो है ना 10 की पावर कितना होता है, -6 होता है। अब यहाँ पर अगर इसको हम फेम्टोलीटर को लिखेंगे तो यहाँ पर 10 की पावर -12 हो जाता है, यानी अब बात करें तो 10 की पावर फेम्टोलीटर का मतलब यह है कि 10 की में जो है ना 10 के आगे हम कितने 12 जीरो लगा दें, तो आप समझ लीजिए कितने 12 जीरो लगाने का मतलब क्या है और क्या नाम है इसके आगे कितने ये जीरो लगाने का क्या मतलब है। तो इस तरीके से जो है ना इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारे आरबीसी का शेप और साइज क्या है। तो अगर इसकी एक नॉर्मल रेंज होती है 73 से यहाँ पर 96 दे रखा है, तो
अगर 73 से 96 के बीच में आते तो इसका मतलब हमारे कि आरबीसी का शेप और साइज जो है ना नॉर्मल है, क्या नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक है, यानी हमारे आरबीसी का वॉल्यूम जितना होना चाहिए वो वॉल्यूम क्या नाम है यहाँ पर 82.8 है, वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेमटो लीटर में यहाँ पर इन्होंने नाप लिया है मशीन ने, ठीक है। अगर हम माइक्रोमीटर में नापेंगे तो हमारा 6 से 8 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, 6 से 8 के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर MCH देखें, यहाँ पर दे रखा है मेन सेल या मेन सेल नहीं, हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन, हीमोग्लोबिन मेन सेल हीमोग्लोबिन का क्या मतलब होता है कि एक सेल के अंदर, मतलब ये जो है ना जितनी अभी हमारी यहाँ पर क्या है आरबीसी हैं, जितनी भी आरबीसी आई थी उनके अंदर जो है ना हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है, तो यहाँ पर बता रखा है 28.3 दे रखा है, 28.3 दे रखा है। इसकी जो पिकोग्राम में वैल्यू दे रखे 27 से 32 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये सभी लैबों में थोड़ा सा वैल्यू वेरिएट कर सकती है, सभी किताबों में वैल्यू भी वेरिएट कर सकती है, इस पर मत जाइएगा। अभी अगर यहाँ पर हम एक चीज़ और दे रखे MCHC, यहाँ पर दे रखा मेन सेल हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन, अभी यानी एक आरबीसी के अंदर कितने, एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है, इस चीज़ को यहाँ पर पूछ रखा है, एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है, एक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का परसेंटेज में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहना मैं कितना परसेंटेज होना चाहिए, 31 से लेकर के नॉर्मल रेंज में देखिए 31% से लेकर के 34.5 कहना परसेंटेज के बीच में होना चाहिए, ठीक है। यानी ये ज़्यादा से मतलब 31 से लेकर के 36 के बीच में या 35 के बीच में होना चाहिए, इतना इसका मतलब ये है, ये समझ में आ गया। अब इसे क्या नाम है हीमोग्लोबिन का यह क्या नाम है जो दे रखा है, इसे हम एक चीज़ और क्या पता कर सकते हैं, इससे हम आरबीसी डब्ल्यूबीसी का कलर पता कर सकते हैं कि हमारे जो आरबीसी है डब्ल्यूबीसी वो सॉरी आरबीसी हैं उनका कलर कितना है। अगर आपका हीमोग्लोबिन देखो, हीमोग्लोबिन का मतलब ये है, मैं अगर यहीं पर इसी पेज में छोटा सा बताऊँ कि हीमोग्लोबिन अगर लिखें तो हीमोग्लोबिन का क्या मतलब होता है भैया, तो हीम का मतलब होता है कलर, ठीक है, हीम का क्या मतलब होता है कलर, और ग्लोबिन का क्या मतलब होता है प्रोटीन, ठीक है, ग्लोबिन का क्या मतलब होता है प्रोटीन। तो मतलब ये ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है उसके जो क्या नाम है उसका कलर किस तरीके का है, ठीक है। अब ये कलर किसकी वजह से होता है, आयरन की वजह से होता है, ठीक है। अब ये आयरन कलर किस वजह से होता है, आयरन की वजह से होता है, और प्रोटीन यहाँ पर आयरन के साथ बाइंड कर रखा होता है, ठीक है। एक प्रोटीन जो होती है कितने आयरन को बाइंड करती है, यानी प्रोटीन जो है हमारी ग्लोबुलिन प्रोटीन यहाँ पर ये आयरन को बाइंड कर रखा होता है। अभी इसी के नाम पर जो है ना मतलब एक टेस्ट किया जाता है, आयरन वाला किया जाता है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी वगैरह जो है इसको देखा जाता है लेबोरेटरी में, ठीक है, TIPC की वगैरह के जो है ना उसे देखा जाता है। तो अब ये देख लीजिए, यहाँ पर आपका वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन दोस्तों माफ़ करना, अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए होगी तो छोटे से वीडियो में नहीं बता पाएंगे यार, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या पता चला कि एक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर नॉर्मल रेंज दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना, अब एक चीज़ यहाँ पर दे रखा है कि हम इससे पता कैसे करेंगे कि हमारी जो है ना मतलब हमको कौन सी क्या बीमारी है कौन सी बीमारी नहीं है। तो यहाँ पर देखो भैया, अभी सीधी सी बात यह कि मतलब हमने यहाँ पर बता दिया कि आपको वायरल बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है, तो हमारा अगर बढ़कर आ रहा है न्यूट्रोफिल्स आ रहा है तो ये क्या नाम दिखाई देगा, इनसे आप पता कर सकते हैं ये बीमारी इनकी वजह से हमारी हमें बीमारी हुई है। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर कॉमनली बताऊँ, आपको चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या पैरासिटिक इन्फेक्शन, फंगस इन्फेक्शन को छोड़ करके अगर ये आपको फंगस इन्फेक्शन कहाँ पर लंग्स पर अगर हुआ है तो ये क्या वहाँ पर क्या नाम है क्या कर सकता है, आपको फीवर वगैरह दे सकता है। बाकी अगर वहाँ पर नहीं है आपके स्किन में आया करे फंगस इन्फेक्शन तो ये आपको जो है ना मतलब क्या कर सकता है कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा, छोटे छोटे दाने बन सकते हैं आपके शरीर में, वैसे दिक्कत आ सकती है। तो फ्रेंड्स फंगस इन्फेक्शन आपके स्किन में जो है ना पुड़िया फुंसी टाइप के दिखाई देंगे, ये इतना है। और अगर पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ है आपको, ठीक है, यानी पैरासिटिक ये वाला जो है ना पैरासिटिक अगर इन्फेक्शन हुआ है तो ये आपका मतलब दिखा देगा ये किस तरीके से क्या होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। एक तो मैंने क्या बताया यहाँ पर माइक्रो फाइलेरिया होता है, फाइलेरिया के नाम से जानते हैं, एक आपका लीवर फ्लूक वगैरह होता है, ठीक है, लीवर फ्लूक वगैरह इनके केस में, ये जितने भी हैं इनके सभी के केस में जो है ना आपको फीवर ज़रूर आएगा, ये कॉमन होते हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो तो आपको फीवर आएगा, चाहे वो टीबी का बैक्टीरिया किसी अदर तरीके का सालमोनेला टाइफी होता है, ठीक है, या फिर क्या नाम आपको ये बैक्टीरिया हुआ है क्या बोलते हैं इसको, अदर टाइप के बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो
जो भी हैं सालमोनेला टाइफाइड के लिए, मतलब टाइफाइड के लिए होता है, या वायरल इन्फेक्शन हुआ तो ये सभी आपको दिखा देंगे, फीवर वगैरह जरूर आएगा। अब इसके बाद जो ना ये वायरल इन्फेक्शन लिम्फोसाइट अगर बढ़कर कह रहा था, जरूर आपको इंडिकेट कर रहा है वायरल की तरफ इंडिकेट कर रहा है, उसके बाद टीबी की तरफ इंडिकेट कर रहा है। हालांकि ये लिम्फोसाइट दूसरे कंडीशन ये भी बताता है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी जरूर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई भी हो। अब यहाँ पर इसनोफिल बता दिया, एलर्जी वगैरह में आता है और पैरासाइट वगैरह के केस में आ सकता है, ठीक है, तो ये आप इससे पता कर सकते हैं। मोनोसाइट अगर बेसोफिल वगैरह बढ़कर कह रहा है तो इसका मतलब कैंसर साइड में जा रहे हैं। मोनोसाइट वगैरह पता चल अगर बढ़कर कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको बहुत दिनों से इन सभी चीज़ों से आपको मतलब बीमारी ऑलरेडी घेर रखा है। अब यहाँ पर कि अब हमें कहाँ पर स्पेसिफिक बीमारी हुई है, कहाँ पर नहीं हुई है, तो हम इससे हम पता कर सकते हैं, और कितने टाइम से बीमारी हुई है, कितने टाइम से बीमारी नहीं हुई है, इसको हम कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पर आप एमसीबी देखेंगे तो आपको एमसीबी दिखा जो है ना क्या बताता है, मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा है फ्रेंड्स, देख लीजिए यहाँ पर मैंने क्या बता रखा है। हाई एमसीबी मतलब क्या नाम है, ये क्या काज करेगा, जब जीबीपी वगैरह बनाएंगे तो आप यहाँ पर माइक्रो सिटिक एनीमिया कहलाता है। अगर एमसीबी यहाँ पर आपको दिखाए हैं, देखो एमसीबी अगर आपका ज़्यादा आ रहा है तो क्या दिखाएगा आपका, मतलब अगर ज़्यादा आपने नॉर्मल रेंज से बढ़कर कह रहा है तो आपका क्या दिखाएगा, ये 82 से, या क्या नाम है इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है 82 से लेकर के, सॉरी यहाँ 82 से लेकर के जो है ना आपकी 96 तक के, या क्या नाम है 100 तक की होती है, ठीक है। अब ये क्या नाम है इसकी एमसीबी की नॉर्मल रेंज, तो ये क्या करता है अगर बढ़कर कह रहा है तो माइक्रोसिटिक एनीमिया, माइक्रोसिटिक यहाँ पर एम ए लिखा है, ठीक है। इसके बाद इसके इसकी किसकी कमी की वजह से होता है, तो विटामिन कि बी12 की कमी से होता है, फोलिक एसिड अगर ये बढ़कर कह रहा है तो इनकी आपको कमी मिलेगी, डिफिशियंसी किस चीज़ की दिखाई देगी, विटामिन्स और फोलिक एसिड की। इससे क्या मतलब किस बीमारी में ज़्यादातर आता है, लीवर बीमारी हो सकती है लंबे टाइम से, क्या नाम है बीमारी हो सकती है, शुगर की बीमारी में हो सकता है जिसको हाइपर ग्लाइसीमिया भी बोलते हैं, शुगर में यहाँ पर मैंने नॉर्मली लिख दिया है। एल्कोहलिज्म यानी जो लोग ज़्यादा दारू पीते हैं, स्मोकिंग जो लोग क्या नाम है ज़्यादा नशा मतलब धुआं वाली चीज़ें पीते हैं यूज करते हैं, और अदर पैथोलॉजिकल कंडीशन। अब यहाँ पर भी वायरल बैक्टीरियल या क्या नाम है फंगस डिसीज आ जाती हैं। अब इसके बाद लो एमसीबी अगर लोअर साइड में एमसीबी जा रहा है जिसकी क्या नाम है 82 से अगर क्या नाम है 96 से नीचे, 82 से नीचे साइड जा रहा है तो ये माइक्रोसिटिक, यहाँ पर मैंने दे रखा है माइक्रोसिटिक एनीमिया हो सकता है। अब एनीमिया के बारे में मैं किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगा। एनीमिया एक तरीके से क्या होता है कि हमारे एक तरीके से ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो लो एमसीबी का मतलब यहाँ की आयरन एंड प्रोटीन की कमी हो सकती है, डिफिशियंसी किस चीज़ की तरह है, आयरन और प्रोटीन की कमी हो सकती है। इसमें किस बीमारी में कम हो सकता है, एक तो थैलेसीमिया के केस में क्या नाम है इसका साइज जो है ना कम आ सकता है एमसीबी का, एक लेड पॉइजनिंग यानी क्या नाम है गोली वोली लग जाना, या फिर क्या नाम है कोई चीज़ डाई वगैरह जैसे होते हैं लेड पॉइजनिंग कर लेते हैं उसमें हो सकता है, और इसके बाद सम बैक्टीरियल एंड वायरल डिसीज में भी क्या नाम है कम हो सकता है, ठीक है। अभी इसके बाद जो है आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपका दे रखा है यहाँ पर मीन प्लेटलेट्स वॉल्यूम, यानी अब मतलब यहाँ पर प्लेटलेट्स का वॉल्यूम कितना, जैसे अभी यहाँ पर एमसीबी हम देख रहे थे ना कि एक एमसीबी आरबीसी का मतलब कितना से साइज है, वहाँ पर भी यहाँ पर भी दे रखा है कि हमारे जो प्लेटलेट्स हैं उसका कितना साइज है, ठीक है। प्लेटलेट्स का क्या नाम है कितना साइज है एक प्लेटलेट्स का, यहाँ पर इसका ये साइज दे रखा है। प्लेटलेट्स वगैरह हमने बता रखा है कि क्या फंक्शन करती हैं, प्लेटलेट्स का फंक्शन यहाँ पर हमने बता रखा है कि प्लेटलेट्स अगर कम आती तो एक कमर दर्द और थकान लगेगी, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। अब ये हमारा एक प्लेटलेट्स की जो है यहाँ पर क्या है, एक प्लेटलेट्स ये किसको इंडिकेट कर रहा है, एक प्लेटलेट्स का क्या क्या साइज है, ठीक है, वो सही तरीके से बनकर के आ रही कि नहीं, उसका जो भी एक मतलब नॉर्मल रेंज होती है यहाँ पर दे रखा है 6.5 से 12 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, एमसीएमपी मतलब एमपीबी वाला। इसके बाद RDWHD दे रखा है, RDWHD का मतलब यहाँ पर मैंने बहुत शॉर्ट में बता रखा है दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए RDWHD, तो RDWHD का मतलब ये फुल फॉर्म क्या होता है, रेड, इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो रेड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ होता है। अभी एचडी की बात करें तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, रेड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ या विड्थ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी ये जब ये अगर इसके नॉर्मल रेंज से अपने ज़्यादा अगर बढ़कर कह रहा है तो इसका क्या मतलब होता है, माइक्रोसिटिक एनीमिया, यहाँ पर भी दे रखा है माइक्रोसिटिक एनीमिया को इंडिकेट करता है। ब्लड डिसऑर्डर यानी ब्लड की कोई बीमारी है
ना कि और कहें कि नहीं ब्लड की सिर्फ कोई बीमारी दिखा रखा है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है किस चीज़ की ब्लड की बीमारी दिखा रखा है, जो कि नॉट अमाउंट, नॉट एनफ अमाउंट में जो है ना आरबीसी प्रोड्यूस नहीं करता है। यहाँ पर किस चीज़ को, ये बोन मैरो को इंडिकेट कर सकता है, बोन मैरो की डिसीज हो सकती है। ठीक है, ये किस चीज़ की डिसीज हो सकती है, बोन मैरो की डिसीज हो सकती है। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, बोन मैरो की डिसीज को इंडिकेट कर रहा है। समझ में आई दोस्तों मेरी बात। अगर लो एम सी भी जा रहा है, लोअर सेट में एस डी जा रहा है, तो यहाँ पर लो एम सी भी दे रखा है, ठीक है, सॉरी लो आर डी डब्ल्यू दे रखा है, आर डी डब्ल्यू एच डी। अब ये क्या बता रहा है, माइक्रो एनीमिया, माइक्रोसिटिक एनीमिया दे रखा है। ठीक है, अगर ये क्या, इसका जो है ना आर बी सी का सेप साइज जो होता है ना, क्या होता है, नॉट परफेक्ट इन, मतलब ये क्या बोन मैरो में जो है ना नॉट परफेक्ट फॉर्म्ड है। यहाँ पर नॉट परफेक्ट फॉर्म यहाँ पर लिख दो, ठीक है, फॉर्म्ड मतलब ये क्या नाम है, अगर लोअर साइड में आर डी डब्ल्यू की अपने नॉर्मल रेंज से जा रही है रेंज, तो ये क्या है, इसका मतलब ये कि आपके बोन मैरो में सेम साइज के और सेफ की क्या नाम है, यहाँ पर आपकी आर बी सी नहीं बन रही, सेम साइज और सेफ की आपकी आर बी सी, साइज सेफ की आर बी सी नहीं बन रही हैं। ठीक है, आर बी सी नहीं बन रही हैं, इतना समझ आ गया। अब ये क्या करता है, आर बी सी जो है ना जल्दी रिलीज कर देता है क्या, बोन मैरो हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ गया कि ये क्या बता रहा है, हमारे इन चीज़ों को इंडिकेट कर दिया, इससे आपको क्या पता चला कि हमारे माइक्रोसिटिक और ये डिसऑर्डर बता दिया है कि कहाँ ब्लड की बीमारी है। एच डी हमारा क्या बता रहा है, ब्लड की बीमारी है, और ये हाई होने पर हमारे केस की ब्लड की बीमारी है, और लोअर साइड जाने पर मतलब क्या बता रखा है, बोन मैरो की बीमारी है। ठीक है, आर डी डब्ल्यू एच डी का। अब इसके बाद यहाँ पर दे रखा है आपका आर डी डब्ल्यू सी बी। अब आर डी डब्ल्यू सी बी का यहाँ पर मैंने बता रखा है दोस्तों, ठीक है, आर डी डब्ल्यू सी बी का यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या दे रखा है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विदित कॉफिशियंट वेरिएशन, यानी क्या नाम है, आपके आर बी सी का जो है ना वेरिएशन क्या है उसको बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, अब ये देख लीजिए, अगर ये आर डी डब्ल्यू सी बी बढ़ा हुआ है तो आपको क्या है, क्रोनिक यानी लंबे समय से कोई ना कोई बीमारी है, डिसीज है। अब वो किसकी बीमारी हो सकती है, लीवर और किडनी की हो सकती है। ठीक है, ज़्यादातर केस में लीवर की बीमारी हो सकती है। अब ये अगर क्या इसकी बात करें तो क्या 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 होता है आर डी डब्ल्यू सी बी वगैरह, ये क्या, ये किस कंडीशन को, जब हमारे यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जैसे हम एम सी बी वगैरह है, तो यहाँ पर विटामिन बी ट्वेल्व और फोलिक एसिड की वजह से होता है, तो हमारा ये भी क्या नाम इन्हीं की कमी की वजह से भी हो सकता है। और अगर हमारा आर डी डब्ल्यू सी बी जो लोअर साइड जाता है तो क्रोनिक बीमारी तो बताता है, लेकिन ये बताता है कि बोन मैरो की क्रोनिक बीमारी है, बहुत लंबे टाइम से बता रहा है कि क्रोनिक बीमारी है, लेकिन बोन मैरो की क्रोनिक डिसीज है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से आपको जो है ना आज की डेट में जो है आपको ये सी बी सी समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए ये सी बी सी के क्या नाम है, यहाँ पर नॉर्मल रेंज वगैरह क्या दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, हीमोग्लोबिन कितना दे रखा है, लिकोसाइड के नॉर्मल रेंज क्या दे रखा है, सारी चीज़ें मैं लास्ट में आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, और तहे दिल से यार क्या नाम है, सब्सक्राइबर बढ़वा दो मेरे भाई लोग, अच्छा लगेगा मेरे को भी। बहुत बहुत धन्यवाद।